प्रदेश सरकार के द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान को साकार करने के लिए हमीरपुर डिग्री कॉलेज में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम समन्वयक नवीन शर्मा ने शिरकत की है। खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान कॉलेज के खिलाड़ी छात्र व छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इस अवसर पर कॉलेज प्रिंसिपल अंजू बत्ता सहगल ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया, तो वहीं खिलाड़ियों ने भी मार्च पास्ट कर सलामी दी। साथ ही 390 खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता के दौरान बेहतर प्रदर्शन कर इनाम हासिल किया है। तो वहीं प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि नवीन शर्मा ने बताया कि पिछले 6 दिनों से हमीरपुर डिग्री कॉलेज में 1200 छात्रों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है और छात्रों को खेल मैदान तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, जो कि सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ कॉलेज द्वारा छेड़ी गई मुहिम के तहत हुई प्रतियोगिता के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया गया है। पूरे कार्यक्रम या पूरे इवेंट की जो थीम थी, हम भी नशे के खिलाफ, ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी थीम थी। और आज हम देखते हैं कि युवा जो है वो नशे की गर्त में जा रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, चाहे सरकारें हों, प्रशासन हों, सब जो है वो इस नशे की जो समस्या है इससे जो है वो परेशान है। तो आज इस कॉलेज के द्वारा जो है वो हम भी नशे के खिलाफ, ऐसे जो है वो एक अभियान के तौर पर यहाँ पर चलाया गया और उसमें बहुत सारे नंबर पे जो है स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। इस प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, उन्होंने भी नशे के खिलाफ जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन अपने हाथ में लिया है। अभी हाल में ही आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो है प्रदेश के अंदर जो है वो नशा नियंत्रण बोर्ड जो है वो स्थापित किया, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, ताकि जो इस प्रदेश के अंदर जो है वो नशे की रोकथाम हो, हमारे प्रदेश के अंदर जो है वो युवा नशा करें और नशे के से दूर रहें।